भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिल ठाकुर ने पार्टी छोड़ने पर सफाई दी है। बकौल उर्मिल भाजपा में उन्हें घुटन हो रही थी। उर्मिल ने धूमल पर निशाना साधा और कहा कि धूमल ने ही साल 2012 में उन्हें चुनाव हरवाया था। उर्मिल ने आरोप लगाया कि बीते 15 सालों से वह भाजपा में किसी न किसी रूप से प्रताड़ित की जा रही थी। उर्मिल ने धूमल पर निशाना साधते हुए कहा कि धूमल का जन समर्थन कम हुआ है। एक ओर जहां पिछले चुनावों में धूमल को 80% वोट पड़े थे, वहीं इस बार उन्हें नाम मात्र ही वोट पड़े। आप इलेक्शन लड़ेंगी और आप सुजानपुर जाएंगी। हाई कमांड के आदेश पर मैं सुजानपुर चली गई। सुजानपुर में जितने बीजेपी के लोग थे वो उस वक्त कहाँ खड़े थे? जहां उनको 80% वोट मिलते थे अपने इलाके में बताड़ी बूथों में, वहां मुझे 15% भी वोट नहीं मिले। इसका क्या कारण है? कोई है पूछने वाला इनको? अगर उनको 80% मिलते हैं तो 50 तो हमें भी दिला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे सुजानपुर भेजा गया, वहां मुझे हराया गया और इतनी बुरी तरह से हराने की कोशिश रची गई कि इसकी जमानत भी ना बचे। लेकिन कुछ जो सच्चे पक्के लोग थे उन्होंने पार्टी की साख को बचाया और मैंने पार्टी हाईकमांड का आदेश माना। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।